मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं जहानाबाद में द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी स्कूल चलाता हूँ। ऐसे में पहले एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स की सर्विस से रिटायर होकर स्कूल खोला हूँ। आज सुबह करीब 8 बजे एक हमारे दोस्त ने कॉल किया कि तबीयत कैसा है, घर में सब ठीक है ना। मैं बोला सब कुछ ठीक है भाई, मैं घर में सब कुछ सुरक्षित हूँ। तो बोला कि भाई एक हमारे पास तुम्हारे फेसबुक मैसेंजर से कॉल आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में है और तुम पैसा जमा करो, जो मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं बोला कि नहीं भाई, ऐसा सब कुछ मैंने मेरे पास ठीक है। तो मैंने एहतियातन के तौर पर अपने जितने भी मेरे दोस्त ग्रुप हैं मैसेंजर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से, मैंने सभी को एहतियातन तौर पर सबको बोल दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, कोई भी पैसा नहीं डालेगा। और इसके लिए मैंने कानूनी प्रक्रिया के लिए मैंने थाना में भी इंटीमेट कर दिया हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टाइप का यदि कोई भी फ्रॉड कॉल मेरे बारे में या कभी किसी के बारे में भी फ्यूचर में आता है, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, पैसा बिना सोचे समझे मत डालिएगा। क्योंकि इस टाइप का फ्रॉड कॉल चल रहा है, इससे सतर्क रहिए, तभी आप जीवन में, नहीं तो आपका गाढ़ी कमाई की पैसा कोई दूसरा कोई मार जाएगा। और इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इस टाइप का कॉल करे इस टाइप का, तो बिना मुझसे कंफर्म हुए कोई पैसा मत डालिए। और आप भी सतर्क रहिए, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहानाबाद जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी के निर्देशक संतोष शर्मा के नाम से किसी ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाया है और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही वो लोगों से डिमांड कर रहा है कि उन्हें कुछ पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संतोष शर्मा बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने घर जहानाबाद में हैं, और उन्हें इस बात की सुबह तक जानकारी भी नहीं थी कि उनके नाम पर कोई फर्जी फेसबुक भी चल रहा है। आज जब अहले सुबह संतोष शर्मा नींद से जागे तो उन्हें पता चला कि उनके फ़ोन पर कई मिस्ड कॉल हैं। मिस्ड कॉल का जवाब देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। फोन करने के बाद जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। उन्हें फोन करने वाले ने कहा, आपकी तबीयत कैसी है, आपके परिवार के सब लोग कैसे हैं? वो हैरान थे, बोले हम लोग सब सही हैं, ठीक हैं। उसके बाद जो उनके चाहने वालों ने कहा वो हैरान करने वाली थी। बात यह थी कि आपके फेसबुक से हमें मैसेज आया है कि आप परेशान हैं, आप हमें मैसेंजर पर मैसेज किए थे कि हमें मदद चाहिए, तब हम आपको फोन किए हैं। यह बात जानकर संतोष शर्मा अपने फेसबुक अकाउंट से खोला तो देखा कि वो फेसबुक से नहीं है, लेकिन सेम फोटो लगी एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला गया है। उसके बाद नगर थाना में इसकी जानकारी दी। जालसाज पैसा भेजने के लिए वह फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पर पैसा मंगाने के लिए एक नंबर देता है। वह नंबर है 7064182724। वही जो लोग अकाउंट पर पैसा भेजने की बात कहते हैं उन्हें अकाउंट नंबर भी देता है। अकाउंट संतोष कुमार राणा के नाम पर है और जिसकी अकाउंट नंबर है 9170641827 24। वही IFSC कोड है PYTM01234 56। बिहार लाइफ 7 भी आप सभी से आग्रह करती है कि ऐसे जालसाजों से बचें और किसी को भी बिना जानकारी लिए हुए पैसे न भेजें, और पैसा भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। खासकर संतोष शर्मा की जो जानकारी बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। संतोष शर्मा बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके परिवार के हर एक एक सदस्य स्वस्थ हैं और उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहानाबाद पुलिस कब जागती है और इस जालसाज गिरोह पर कब कार्रवाई होती है।